हेलो बैक, कोई 12th लेक्चर है आई थिंक। सो इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं साइट मैप को। तो साइट मैप कवर करने से पहले क्यों ना हम सर्च कर लें कि साइट मैप होता क्या है। A sitemap is a file where you provide information about the pages, videos and other files on your site and the relationships between them. Search engine like Google read this file to crawl your site more efficiently. Like ye sitemap ki ek example aapke samne bani hui hai, ye bani hui hai. एक ये आपकी कह लें मेन डोमेन आ गई, ये आपके मेन्यूज आ गए और ये उनके आगे सब कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स आ गए। साइट मैप कुछ इस टाइप की चीज़ होती है। तो हम इसको देखते हैं अब गूगल सर्च कंसोल के इंडेक्स में साइट मैप्स। जैसे ही हमने साइट मैप पर क्लिक किया तो इसने पूछा लिंक, जिस लिंक का साइट मैप हमने देखना है। तो हम इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, सबमिट। ओके, वैलिड पाथ इसमें क्या होगा? नहीं, चलो तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का कोई साइट मैप ही नहीं है, इस वजह से ये हमें डेटा शो नहीं कर रहा। तो साइट मैप के लिए हमें पता चल गया कि पहले हमें साइट मैप सबमिट करवाना पड़ेगा। खैर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, न्यू कवरेज इशू डिटेक्टेड फॉर साइट, यू आर वैलिडेटिंग योर कवरेज इशू फिक्सेस फॉर राइट वेबसाइट। जब आप अपना इधर साइट मैप सबमिट करते हैं तो वो यूआरएल के अकॉर्डिंग आपको वापस कवरेज के अंदर ले जाता है और यहाँ पर ऑल नॉन पेजेस की बजाय वो हमें शो करने लग जाता है। इस तरह का टेबल शो करेगा किसी स्पेसिफिक यूआरएल का। यहाँ पर ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट का डाटा शो करता है, एरर्स, वैलिड वार्निंग्स, वैलिड एक्सक्लूडेड, पर साइट मैप में वो किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल का करेगा और उस यूआरएल की आपको ये डिटेल्स देगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी सीरीज़ को देखते रहिएगा।